नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स। इन दिनों कई बड़ी फिल्म को लेकर जबरदस्त चर्चाएं हैं, कई फिल्मों की शूटिंग चल रही है तो कई रिलीज के लिए तैयार हैं। वहीं सबके बीच हाल ही में अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी स्टारर फिल्म OMG 2 जबरदस्त सुर्खियों में आ गई है। इस फिल्म का ट्रेलर और गाने सब रिलीज हो चुके हैं और अब फिल्म की रिलीज का इंतजार है, लेकिन लोगों को डर है कि कहीं एक बार फिर से आदि पुरुष जैसा हाल ना हो। इसी के चलते इस बार सेंसर बोर्ड भी सावधानी बरत रहा है। आदि पुरुष फिल्म के बाद रिलीज हो रही फिल्मों को कई टेस्ट से गुजरना पड़ रहा है। हाल ही में रिलीज होने वाली OMG 2 को लेकर भी सेंसर बोर्ड सख्त हो गया है। ये तक दावा किया जा रहा है कि फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने OMG 2 की रिलीज डेट को होल्ड कर दिया है। आपको बता दें कि फिल्म के टीजर में एक जगह भगवान शिव बने अक्षय कुमार को ड्रेनेज के पानी से अभिषेक करते दिखाया गया है, जिस पर दर्शकों ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है, जिसे देखने के बाद लोगों का कहना है कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। ये हिंदुओं के भगवानों का अपमान है। सोशल मीडिया पर मेकर्स के खिलाफ जमकर आवाज उठाई जा रही है। बता दें कि फिल्म के फर्स्ट पार्ट को काफी पसंद किया गया था, ऐसे में अब फैंस को इंतजार है कि दूसरे पार्ट में क्या अलग देखने को मिलेगा। इस मामले पर मेकर्स ने तो अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन फिल्म के एक्टर पंकज त्रिपाठी ने OMG 2 पर हो रही कंट्रोवर्सी पर चुप्पी तोड़ी। एक्टर का कहना है कि जो कुछ भी आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं उस पर यकीन ना करें। एक्टर का कहना है कि ये फिल्म रिलीज होगी तो सच्चाई खुद ब खुद सामने आएगी। पंकज त्रिपाठी के इस बयान से जाहिर है कि वो फिल्म रिलीज की तैयारी कर रहे हैं। अगर फिल्म को सर्टिफिकेट मिल गया तो 11 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म रिलीज हो जाएगी। इस फिल्म की टक्कर सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदर 2 से होगी। देखना यह होगा कि सेंसर बोर्ड इस फिल्म को सर्टिफिकेट देती है या नहीं, लेकिन फैंस जो है इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये फिल्म रिलीज के बाद किस तरह से पब्लिक रिएक्शन देखने को मिलेगा, लोगों का रिएक्शन किस तरह से देखने को मिलेगा, ये देखना अहम होने वाला है। फिलहाल बता दें कि फिल्म 11 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी, उसके बाद ही इस पर हम कोई रिव्यू दे सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स।